अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फाइज फ्रॉम एफटीए ब्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा मरी का, जिसका नाम मरी हिल्स डे वन था। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो आज हमारा है सेकंड डे, इसमें हम दिखाएंगे आपको हमने सेकंड में क्या किया था। पेट्रियाटा शेरिफ में बैठे थे हम फर्स्ट टाइम, और थोड़ा स्केरी था मगर बहुत मज़ा आया। तो गाइस वेलकम बैक एंड, और अब हो रही है सुबह, दूसरे दिन हो चुका है हमें यहाँ पे। और रात को यहाँ पे बारिश भी हुई थी, ये देख सकते हैं आप, पानी भी पड़ा हुआ है और अभी बहुत अच्छा हो रहा है। इस वक्त अभी हम जाने वाले हैं चेयरलिफ्ट पे, क्योंकि कल वो बंद थी। तो चले ओके, तो फाइनली हम हो चुके हैं रेडी और अभी निकलने वाले हैं हम चेयरलिफ्ट के लिए। पहले हम करेंगे नाश्ता, तो अभी हम जाते हैं माल रोड पर, तो देखते हैं कि हमें वहाँ खाने के लिए क्या मिलता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बटकर रेस्टोरेंट में, अभी हम यहाँ से नाश्ता करेंगे, उसके अलावा हम जाएंगे चेयर पे। तो देखते हैं कि नाश्ता कैसा होता है यहाँ पर। हमने ऑर्डर किए थे 4 चाय और 4 पराठे, जिसकी प्राइस थी 800 रुपये। तो फिर हमें जाना था पिंडी पॉइंट चेयरलिफ्ट के लिए, तो वहाँ से मिलती है एक गाड़ी जिसकी प्राइस होती है 100 रुपीज़ पर पर्सन। ओके, तो हम बैठ चुके थे चेयरलिफ्ट में और मैं इसका टिकट बता दूँ आपको, 800 पर पर्सन था। हो तो ऊपर भी सामने बैठा हुआ है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। शुरू में थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये बंद करते हुए, मगर मज़ा आ रहा है, मगर थोड़ा स्केरी है ये। चेयरलिफ्ट से तकरीबन हमें नीचे पहुंचने में लगे 20 मिनट, क्योंकि बहुत ही लंबा एरिया था और हम बहुत ही नीचे गए थे। यहाँ नीचे था रिफ्रेशमेंट पॉइंट और हमें बिठा दिया गया यहाँ आधे घंटे के लिए। और यहाँ ये लोग कर रहे थे हमारा इंतज़ार। फाइनली हम आए वापस और बहुत मज़ा आया इसमें। तो हम आ चुके थे वापस होटल में और हमने किया थोड़ा रेस्ट और देखा टीवी, और शाम के वक्त किया हमने फिर से नाश्ता।
तो गाइस हमारा व्लॉग होता है यहाँ पे फिनिश। आज हमारा थर्ड डे है और हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। तो हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आई होप आप व्लॉग जब देखेंगे आपको भी मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।